दोस्तों, अनुपमा शो में नजर आने वाले अभिनेता पारस कलनावत ने जहां इस शो से खूब सफलता देखी है, तो वहीं अब अपने इस शो की वजह से वो बेरोजगार भी हो गए हैं। जी हां, दरअसल पारस कलनावत को राजन शाही ने रातों रात इस शो से छुट्टी दे दी है, जिसकी वजह से अब पारस कलनावत की भूमिका से वो एग्जिट हो चुके हैं। तो वहीं इन किरदार को निभाने के लिए मेकर्स ने दूसरे अभिनेताओं की खोज भी शुरू कर दी है। जहां टीवी इंडस्ट्री में कुछ अभिनेता ऐसे भी है जो कि पारस कलनावत की तरह ही समर शाह के रोल में खूब ज्यादा जचते हैं, और इसीलिए आज हम आपको ऐसे ही कुछ अभिनेताओं से रूबरू कराने वाले हैं जो कि समर के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन्हीं हैंडसम एक्टर्स पर। नंबर एक, करण कुंद्रा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शुमार होता है अभिनेता करण कुंद्रा का, जो कि वर्तमान में किसी भी शो में नजर नहीं आते। इसी के साथ ही करण कुंद्रा वर्तमान में अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से काफी लाइमलाइट में बने हुए हैं, जिसकी वजह से शो में इनके आने के साथ ही शो की पॉपुलैरिटी को चार चांद लग सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि करण कुंद्रा ने पहले भी राजन शाही के साथ काम कर रखा है, इसलिए शो में समर के किरदार के लिए ये भी परफेक्ट माने जाते हैं। नंबर दो, आसिम रियाज। इस कड़ी में एक नाम अभिनेता आसिम रियाज का भी शुमार है। बता दे, आसिम दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम लगते हैं, और इसके अलावा जिस तरह वो खुद को फिट रखते हैं, वो इनके लुक्स को और भी ज्यादा यंग दिखाता है, जिसकी वजह से इस किरदार में पारस कलनावत की जगह काफी ज्यादा ये फिट नजर आएंगे। नंबर तीन, शिविन नारंग। अभिनेता शिविंग नारंग ने भी बीते सालों में अपने एक्टिंग से लोगों को काफी इम्प्रेस किया है। इसी के साथ ही शिविंग नारंग के हैंडसम लुक की वजह से लोग उन्हें खूब प्यार देते हैं, जिसकी वजह से अगर वो इस शो में पारस कलनावत की जगह समर की भूमिका निभाएंगे तो दर्शकों के बीच इनके किरदार के लिए प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। नंबर चार, निशांत मलखानी। पारस कलनावत की जगह समर के रोल में जो अभिनेता फिट बैठेंगे उनमें एक नाम निशांत मलखानी का भी शुमार है। निशांत मलखानी भी काफी ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश अभिनेता है, जो कि दिखने में बेहद यंग नजर आते हैं, और वही ये पारस कलनावत की जगह रिप्लेस करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नंबर पाँच, कुशाल टंडन। अभिनेता कुशाल टंडन भी इस लिस्ट में शुमार है। बता दें, कुशाल टंडन ने भी बीते दिनों अपनी एक्टिंग से लोगों को खूब इम्प्रेस किया है, जिसकी वजह से ये भी पारस कलनावत को अच्छे से रिप्लेस कर सकते हैं, और इसीलिए लोग इनका नाम इस रोल के लिए भी सजेस्ट कर रहे हैं। नंबर छह, शुवांश धर। पारस कलनावत के परफेक्ट रिप्लेसमेंट में एक नाम शुवांश धर का भी शुमार है, जिन्हें लेकर माना जाता है कि अनुपमा में अब ये समर का रोल अदा करेंगे। उनका अंदाज और स्टाइल फैंस को खूब पसंद आता है, साथ ही वो अनुपमा के बेटे की भूमिका आसानी से अदा कर सकते हैं। वेल दोस्तों, पारस कलनावत की जगह समर शाह के रोल में आपको इनमें से कौन सा अभिनेता सबसे ज्यादा पसंद आया, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।